आखिर हो ही गया, बलि का बकरा बन ही गया यूक्रेन। आखिरकार अमेरिका ने ले लिया इतना बड़ा फैसला रूस के रौद्र रूप को देखते हुए। अब अमेरिका ने फैसला लिया और इसमें बीच में चला गया है जेलेंस्की। जानेंगे अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। तो इसीलिए कहते हैं युद्ध हमेशा अपने दम पर लड़ना चाहिए, किसी और के दम पर नहीं। अमेरिका ने एक तरह से धोखा देना शुरू कर दिया यूक्रेन को। क्या न्यूक्लियर हमले के डर से अमेरिका ने ऐसा किया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत को भी संदेश भेज दिया कि भारत और अमेरिका के संबंध क्रिटिकल है। जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। परमाणु युद्ध का खतरा बहुत तेजी से मंडरा रहा है और इसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूरोप अमेरिका के दोस्त सारे आयोडीन वाली गोलियां खरीद रहे हैं कि एंटी रेडिएशन से बच जाएं। लाखों लाखों की संख्या में गोलियां खरीदी जा रही हैं। कुछ दिनों में आपको ये मार्केट में मिलेगा भी नहीं, अजरबैजान से तो गायब ही हो चुका है। और इधर रूस ने तूफानी रफ्तार से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं और पुतिन की सेना कथित तौर पर काल बनकर यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अमेरिका अब तक यूक्रेन को हथियारों का पूरा भंडार दे रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से करीब अब तक $17 अरब से ज्यादा की सैन्य मदद दी गई है। अब यूक्रेन युद्ध में कुछ अमेरिकी हथियारों ने भीषण तांडव मचाया है और वो यूक्रेन में युद्ध के प्रतीक बन गए, जैसे कि जेवेलियन एंटी टैंक हथियार, जिसका बड़े रूप से इस्तेमाल किया गया रूसी आक्रमण से कीव को बचाने के लिए। कीव यूक्रेन की राजधानी है और इस हथियार ने रूसी सेना को भारी नुकसान भी पहुँचाया। वही हीमर, जो कि एक सटीक रॉकेट सिस्टम है, वो अभी भी यूक्रेन युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यूक्रेन अपने पूर्व और दक्षिण में मॉस्को के सैनिकों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इसका इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से कर रहा है। अमेरिकी हीमर रॉकेट सिस्टम का कोई जवाब रूस के पास नहीं है, लेकिन अब ये सारी चीजें उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। हीमर रॉकेट सिस्टम 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है और अमेरिका ने एक तिहाई हिस्सा यूक्रेन में भेजा है ताकि यूक्रेन लड़ सके। यूक्रेन को 8000 से 10000 रॉकेट दिए गए और ऐसा माना जा रहा था कि ये रॉकेट अभी महीनों तक चलेंगे। अमेरिकी सरकार ने इसी साल मई महीने में $350 मिलियन मूल्य के मिसाइलों का ऑर्डर दिया था, लेकिन हथियार भंडार सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। और अभी ऐसी स्थिति में अमेरिका ने यूक्रेन को पहुंचा दिया है कि एक तरफ पुतिन बहुत गुस्से में हमले पर हमला किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति कम कर दी है। जेलेंस्की के सामने जैसे कि मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बहुत ही जल्द यूक्रेन को कई तरह के हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई नहीं कर पाएगा, जो कि इस वक्त यूक्रेन को हर हाल में चाहिए। क्योंकि अगर यूक्रेन अभी तक इस युद्ध में डटा हुआ है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार होने वाले हथियारों की आपूर्ति। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि कई अमेरिकी हथियार और गोला बारूद खत्म होने के कगार पर पहुंच गए हैं और अमेरिका के पास कई तरह के गोला बारूद सिर्फ इतना ही बचा है कि इसका इस्तेमाल वो घरेलू ट्रेनिंग युद्धाभ्यास में कर सके। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले तक के हथियार भंडार का निर्माण करने में अमेरिका जैसे देश कई साल लग जाएगा इस देश को। मतलब यूक्रेन में इतना इन्होंने दे दिया हथियार कि इनके पूरे भंडार लगभग खत्म होने पर पहुंच गए हैं और अगर फिर से इन हथियारों को जमा करना शुरू करता है, प्रोडक्शन करना शुरू करता है, तो फिर इन्हें लग जाएगा कई साल। अमेरिका के पास खुद गोला बारूद खत्म होने वाले हैं। और ये कहने वाला कौन है? सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, यानी कि
SSI, इन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि अमेरिका के पास अब खुद गोला बारूद खत्म हो रहे हैं, और एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी के अनुसार ये कहा गया है कि अमेरिका भीषण युद्ध शक्ति में कि कैसे गोला बारूद की जरूरत पड़ती है इस चीज को इस युद्ध में समझ गया है। अब आप सोचेंगे अमेरिका जैसे बड़े देश में गोला बारूद खत्म हो गया, ये दुनिया को हथियारों की सप्लाई करता है, इसके पास तो इतनी सारी कंपनियां हैं। तो आपको बता दे, जब 1990 में रूस टूटा यानी कि सोवियत संघ टूटा, तो फिर अमेरिका ने बोला कि नहीं, अब ज्यादा हथियार नहीं बनाने हैं क्योंकि हमारा दुश्मन खत्म हो चुका है। अमेरिका ने अपना प्रोडक्शन कट कर दिया, भारी कमी की। उसके पहले तक शीत युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका भी हाई लेवल का प्रोडक्शन कर रहा था, पर अब प्रोडक्शन में कमी होने लगी, 10% से भी कम हो गया प्रोडक्शन। 2020 तक प्रोडक्शन कम ही रहा है, और पहले से जो जमा हथियार थे वो सब कुछ अभी इस्तेमाल हो रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध में। लेकिन कब तक, ये लड़ाई तो अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अमेरिका के पास जो भंडार थे रॉकेट्स के, 8000 से 10000 रॉकेट तो दे दिए गए हैं जो कई महीनों तक चलना चाहिए, लेकिन अगर यूक्रेन को दिए गए ये रॉकेट जो हिमर प्रणाली में इस्तेमाल होते हैं अगर खत्म हो जाता है तो अमेरिका नहीं दे पाएगा। एक साल में अमेरिका 5000 गोला का उत्पादन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। अब अमेरिका ने यूक्रेन को 8500 जेवेलियन मिसाइलें दी, लेकिन एक साल में अमेरिका मात्र 1000 जेवेलियन मिसाइल ही बना सकता है। मतलब इसका साफ है कि अमेरिका को अब अगर हथियार जमा करने हैं तो 3 साल के भीतर उसे बढ़ाना होगा हथियारों का प्रोडक्शन, फिर भी एक लंबा समय लग जाएगा। अब जरा देखिए, रूस ने यहाँ पर गोले खा खा के अमेरिका और यूरोपीय देशों को कर दिया है कमजोर, और अब रूस रुद्र रूप में आ रहा है, और इस रुद्र रूप को देखकर सबसे पहले तो यूक्रेन डर रहा है। अब जैसे ये सारी स्थितियाँ बदल रही हैं, आप देखेंगे अमेरिका का रूप भी बदल रहा है। कल तक पाकिस्तान के पीछे पीछे चलने वाला अमेरिका आज भारत को ये संदेश भेज रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ता क्रिटिकल है। अब दरअसल बात क्या हुई है, बात ये हुई है कि पिछले 1 महीने से भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने ये कहा है कि दुनिया में बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, आर्थिक चुनौती भी खड़ी हो गई है, और ऐसे में भारत अमेरिका का संबंध बेहद क्रिटिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे हल किया जाना चाहिए अच्छे से। वैसे आपको बता दें, भारतीय वित्त मंत्री सीतारमन अमेरिका के दौरे में है जहां वो मुलाकातें कर रही है। इसी मुलाकात और मीटिंग के बाद जेनेट ने ये बात को कहा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि G20 की बैठकों से पहले हम कई तरह के बैठक करेंगे जो भारत के साथ होगा, ताकि इन्होंने क्वाड का भी नाम लिया कि हम लोग क्वाड के साथ भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन को भी बढ़ाएंगे, एनर्जी सेक्टर में भी हम एक दूसरे का सहयोग देंगे। अब अमेरिका को थोड़ा दिखने लगा है कि किधर जाने की जरूरत है। खैर, अमेरिका ने यूक्रेन को उकसाकर इस युद्ध में बलि का बकरा बना दिया, लेकिन यूक्रेन के खुद की गलती की वजह से। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।